एवरीवन, कैसे हैं आप? सो लास्ट 2-3 वीडियोस से हम लोग सर्कल्स चैप्टर कर रहे हैं, विच इज़ चैप्टर 10th ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. ओके, एंड हमने 9th क्वेश्चन तक कर लिया है. ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है मेरी लास्ट वीडियोस टिल 9th क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू सी, देन आई एम गोइंग टू गिव लिंक ऑफ दैट वीडियोस, दोज वीडियोस इन माय डिस्क्रिप्शन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी भी है. ठीक है, क्या है? प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. पहले मैंने यहीं तक पढ़ा क्वेश्चन, इसके हिसाब से मेरे को क्या पता चला कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक अगर ये सर्कल है और मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट P है और ये PA और PB मेरे दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से और वो सर्कल पे बढ़ रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन, दैट मींस दिस एंगल दे आर टॉकिंग अबाउट इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो वो बोल रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री है, इसका सम 180 है किस वाले एंगल के साथ? आगे पढ़ते हैं, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर. इसका क्या मतलब है? दोबारा पढ़ते हैं, इट्स सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है हमारा? ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया एट द सेंटर. तो दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी, यानी ये पूरा एंगल प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेरे को ये प्रूव करना है. ठीक है, सो फर्स्टली व्हाट विल आई डू, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ. ठीक है, पी ओ इज इक्वल टू पी, हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, राइट? पी ओ इज इक्वल टू पी ओ कॉमन, पी ए इज इक्वल टू पी बी. क्यों? ये मैं लास्ट वीडियो से बोलती चली आ रही हूँ. ये वाली थ्योरम क्या है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, ऑल्सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो एस एस एस, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए. कौन से? ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी पी ओ. सिंपल, अभी तक यहाँ तक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे भी सिंपल है. देखो, इसको मैंने एंगल 1-2 मान लिया, इसको एंगल 3 मान लिया. सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी. यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब मैंने ये पढ़ा था कि जो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. रेडियस क्या होता है? हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. तो हमारा ओ ए रेडियस है एंड पी ए टेंजेंट है, तो इसका मतलब ओ ए विल बी परपेंडिकुलर टू पी ए. दैट मीन्स एंगल 5 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? नाउ बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ऊपर वाला ट्राइंगल, विच इज ट्राइंगल पी ए ओ. ट्राइंगल पी ए ओ में अगर मैं एंगल सम लगाती हूँ तो आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? एंगल 1 जो है उसको मैं एज इट इज रख रही हूँ, एंगल 3 को मैं एज इट इज रख रही हूँ, एंगल 5 को 90 लिख दिया. ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री उधर जाके 180 में से माइनस हो गया.
अभी मैं क्या करूँगी, मेरे को एंगल वन नहीं चाहिए, मेरे को ये पूरा एंगल चाहिए, मेरे को एंगल थ्री नहीं चाहिए, मेरे को एंगल पूरा चाहिए, तो मैं टू से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब सिर्फ LHS तो मल्टीप्लाई होती नहीं, RHS भी मल्टीप्लाई होएगी, राइट? तो मैंने थ्रू आउट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल वन, ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्वाइस ऑफ एंगल वन क्या है, एक्चुअली मैंने जो CPCT से प्रूफ किया था, मैंने ये प्रूफ किया था कि एंगल वन और एंगल टू मेरे इक्वल है। जब मेरे एंगल वन और एंगल टू इक्वल हैं तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल वन अगर मैं करती तो वो एंगल AP भी होगा, राइट? तो ट्वाइस ऑफ एंगल वन मैं क्या लिख सकती हूँ, AP भी प्लस, इसी तरह से थ्री और फोर को मैंने CPCT से इक्वल प्रूफ किया था, तो इसीलिए मैं एंगल थ्री का अगर मैं ट्वाइस करती हूँ तो वो पूरा का पूरा एंगल AOB आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज 11th क्वेश्चन ऑफ योर बुक। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग का मीनिंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पैरेललोग्राम बाहर है और वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और सर्कमस्क्राइब का मतलब कि वो सर्कल जो है वो चारों तरफ से टच कर रहा है पैरेललोग्राम की साइड्स को, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा, और उसको मुझे प्रूफ क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है? तो इस तरह से मेरी एक फिगर बनेगी, अगर जैसे ये है तो दिस इज माई फिगर ABCD, ठीक है, और ये मेरा PQRS। दैट मीन्स जो हमें गिवन है ना इस फिगर में, वो मेरे पास ये गिवन है कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, और मेरे को प्रूव ये करना है कि जो PQRS है वो जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को चारों तरफ से टच कर रहा है वो एक रोम्बस है। दैट इज़, अगर किसी चीज़ को हमें रोम्बस प्रूफ करना होता है तो दैट इज़ वी वॉन्ट टू प्रूव दैट चारों साइड्स उसकी इक्वल है। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है? अच्छा, पैरेललोग्राम गिवन है, दैट मीन्स ओनली ऑपोजिट साइड्स आर गिवन टू बी इक्वल, एंड प्रूफ क्या करना है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स आई विल हैव टू प्रूव कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। साथ साथ वाली साइड्स इक्वल हो गई तो जब ये इसके इक्वल हो गई तो ये रोम्बस बन गया, क्योंकि ऑपोजिट तो पहले से ही इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? तो अभी मैं इसको कैसे करूँगी, मैं उसी थ्योरम से करूँगी कि सिंस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle are equal, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर ये मेरा external point है और यहाँ से ये tangent और ये tangent draw हुई है तो इसका मतलब PC is equal to PB, right? PB is equal to PC, ठीक है? इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में किया है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको समझाया भी था, वो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था, ठीक है? सो PB इज इक्वल्स टू PC। अब PC में क्या ऐड होना चाहिए, एक्चुअली CQ ऐड होना चाहिए, और जो QC है वो QD के इक्वल है। तो जो QC है ना, एक्चुअली QC जो है वो QD के इक्वल है। मेरे को ये देखना है कि QC इज इक्वल टू QD लिखूं या फिर मैं QD इज इक्वल टू QC लिखूं, मैं क्या लिखूं? इधर देखते हैं, यहाँ पर क्या है BP, यानी BP, यहाँ पर क्या है CP, तो CP की साइड पर हमारा एक्चुअली CQ आना चाहिए, ताकि जब मैं ऐड करूँ तो CP और CQ ऐड करके PQ बना दें मेरा, ठीक है? तो जिस साइड मेरा CP है, इस साइड यानी, उस साइड में CQ लिखूंगी, यानी दिस विल नॉट गो, तो इधर लिख देंगे, सॉरी दिस विल नॉट गो, क्योंकि CQ मेरा राइट साइड में है, तो यहाँ पर आ जाएगा QC और यहाँ पर आ जाएगा QD, ठीक है? अब QC मेरा राइट साइड में है यहाँ पर, और PC मेरा यहाँ पर है, तो ये दोनों ऐड होके बिल्कुल सही सेटिंग बिठा देंगे, PQ आ जाएगा, ठीक है? अभी देखो QD यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ये QD है, ठीक है? QD में क्या ऐड होना चाहिए, DR, है ना? और DR किसके इक्वल है, RA के, तो मैं क्या लिखूंगी, DR इज इक्वल टू RA, ताकि DR और QD मिलाकर मेरा QR बना देंगे, ठीक है? अभी देखो राइट साइड में क्या है मेरा, RA,
आर ए, आर ए में क्या ऐड होना चाहिए, ए एस, और ए एस किसके इक्वल है, बी एस के, तो इसका मतलब इस साइड ए एस लिख दो, ठीक है, क्योंकि आर ए और ए एस ऐड हो जाएंगे, और इस साइड लिख दो बी एस, गॉट इट। अभी अब जब मैं इन चारों को ऐड करती हूँ तो मेरा क्या आता है, देखो एडिंग, ठीक है, एडिंग दीज फोर, अभी मेरा आ जाएगा पी बी, क्यू डी, डी आर और बी एस इज इक्वल टू पी सी, क्यू सी, ए आर प्लस ए एस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है, पी बी और बी एस इन दोनों को ऐड करते हैं, पी बी और बी एस दोनों को ऐड करके बनता है पी एस, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्यू डी और डी आर को, क्यू डी और डी आर क्या बनता है, क्यू आर, ये आ गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, पी सी और क्यू सी को ऐड करते हैं, पी सी और क्यू सी को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा पी क्यू, ओके, एंड ए आर और ए एस को ऐड करते हैं, ए आर और ए एस क्या बनता है, आर एस, राइट। अब देखते हैं पी एस और क्यू आर आ रहा है मेरा यहाँ पर, पी एस और क्यू आर, ये तो ऑपोजिट साइज है, और ऑपोजिट साइज ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होता है, मेरे को तो पैरेललोग्राम गिवन है ना, तो इसका मतलब पी एस और क्यू आर तो मेरे इक्वल है, राइट। तो बट जो पी एस है वो क्यू आर के इक्वल है, तो मैं क्यू आर को भी क्या लिख सकती हूँ, पी एस, क्यू आर को भी मैंने क्या लिख दिया, पी एस। अब इधर आते हैं, पी क्यू को पी क्यू ही रहने देते हैं, जो आर एस है, आर एस वो भी तो पी क्यू के इक्वल है, ऑपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इस आर एस की जगह मैं उठा के इसको पी क्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो इधर आ गया ट्वाइस ऑफ पी एस, और इधर आ गया ट्वाइस ऑफ पी क्यू, और टू से टू मेरा कट गया, तो दैट मीन्स मैंने ये प्रूव कर दिया कि पी एस पी क्यू के इक्वल है। क्या मतलब, पी एस पी क्यू के इक्वल है, दैट मीन्स मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरी एडजेसेंट साइज इक्वल है, मेरी साथ साथ वाली साइज इक्वल है, ऑपोजिट साइज तो इक्वल थी ही, अब मेरी एडजेसेंट साइज भी इक्वल आ गई, और पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइज बिकम इक्वल, इट बिकम्स अ रोम्बस, तो देयरफोर आई हैव प्रूव्ड हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, hence proved. So, today we have completed two questions, question number 10th and question number 11th. Okay, in my next video I'm going to explain you last two questions of this exercise, question number 12th and question number 13th. Okay, hopefully aapko samajh aa raha hoga ye chapter. Okay, till then bye bye.